टी20 वर्ल्ड कप 2024 में आज 12 जून भारत और अमेरिका के बीच न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होना है। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। दोनों ही देश इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार किसी तरह का मैच खेलेंगे। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अमेरिका की टीम को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह उसने 6 जून को डलास में पाकिस्तान को सुपर ओवर में पटकनी दे दी, उसके बाद रोहित ब्रिगेड मोनांक पटेल के नेतृत्व वाली टीम को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे को इस बार मौका मिलेगा या नहीं, या क्या इन खिलाड़ियों की जगह संजू सैमसन को चांस मिल सकता है? ऐसे कुछ सवाल जरूर फैंस के मन में होंगे। हालांकि टीम इंडिया बड़े टूर्नामेंट में ज्यादा फेरबदल नहीं करती है। बता दें, सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन अब तक तो सुस्त रहा है। सूर्य ने वर्ल्ड कप में 2 मैचों में 9 रन बनाए हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 2 रन तो पाकिस्तान के खिलाफ 7 रन बनाए हैं। वहीं बिग हिटर के रूप में विख्यात शिवम दुबे आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में 0 पर नाबाद लौटे, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में 3 रन ही बना पाए। वहीं अब तक के ऐसे 2 मैचों के आधार पर टीम के बैलेंस की बात की जाए तो यही 2 कमजोर खिलाड़ी नजर आते हैं। वहीं स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत करते हुए पूर्व भारतीय दिग्गज ने टीम में संजू सैमसन के खिलाए जाने की हिदायत की मांग की है। बागर ने कहा, अगर संजू सैमसन टीम में खेलते तो फायदा होगा। वहीं अमेरिका की टीम में शामिल कोरी एंडरसन पर इस मैच में नजरें रहेंगी, जो कभी रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस में खेल चुके हैं। वहीं इस मुकाबले में शिवम दुबे पर भी नजरें होंगी। इसके अलावा अमेरिका के अरोन जोन्स वर्तमान में ही टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2 पारियों में 130 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 197 का रहा। एंड्रीज गॉस चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने 2 पारियों में 100 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 139 का रहा है। वहीं भारत की ओर से सबसे धारदार प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह का रहा है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह का एवरेज 4 और इकोनॉमी रेट 2.85 रहा है। वहीं विराट कोहली के पास टी20 वर्ल्ड कप में एक और इतिहास रचने का मौका है। वह बाबर आजम से 71 रन पीछे हैं। बाबर आजम के टी20 फॉर्मेट में 122 मैचों में 4113 रन हैं, जबकि विराट कोहली के 119 मैचों में 4042 रन हैं। ऐसे में कोहली के पास बाबर को पछाड़ने का मौका रहेगा। विराट ने 12 जून 2010 के दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में टी20 डेब्यू किया था। अपने डेब्यू मैच में विराट ने 21 गेंदों में 26 रन बनाए थे। वहीं बात करें भारत की प्लेइंग 11 की, तो इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं अमेरिका की संभावित प्लेइंग 11 में स्टीवन टेलर, मोनांक पटेल, एंड्रीज गॉस, अरोन जोन्स, नीतीश कुमार, कोरी एंडरसन, हरप्रीत सिंह, जसदीप सिंह, नुस्तुस किजी के, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान खेलते हुए नजर आएंगे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।